नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं आपका दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आज के हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल 2019 जुलाई के मासिक राशिफल के विषय में बात करेंगे और ये सातवां महीना है 2019 का जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो में इस राशिफल में हम आपको बताएंगे आपके पारिवारिक, वैवाहिक, आर्थिक, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के बारे में। साथ ही हम आपको आपकी समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ उपाय भी ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा एक और खास चीज़ है जो हम आपको बताएंगे, वो है जुलाई के महीने में कौन कौन सी तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, इसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक तो ज़रूर देखें। लेकिन चलिए जल्दी से सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जुलाई के महीने में कौन कौन से तीज त्यौहार हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट आप तक समय से पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। दोस्तों, जुलाई के महीने में सबसे पहले 1 जुलाई को है, दिन है सोमवार और इस दिन है मासिक शिवरात्रि। 2 जुलाई दिन है मंगलवार और इस दिन है आषाढ़ अमावस्या। 4 जुलाई दिन है गुरुवार और इस दिन है जगन्नाथ रथ यात्रा। 12 जुलाई दिन है शुक्रवार और इस दिन है देव शयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी। 14 जुलाई दिन है रविवार और इस दिन है प्रदोष व्रत। 16 जुलाई को है दिन मंगलवार और इस दिन है गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा व्रत और कर्क संक्रांति। 20 जुलाई दिन है शनिवार, उस दिन है संकष्टी चतुर्थी। 28 जुलाई दिन है रविवार, उस दिन है कामिका एकादशी। 29 जुलाई को है दिन सोमवार, उस दिन है प्रदोष व्रत। 30 जुलाई दिन है मंगलवार और उस दिन है मासिक शिवरात्रि। तो अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो जुलाई के महीने में ढेर सारे तीज त्यौहार आने वाले हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में। इस महीने में पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहने की संभावना बन रही हैं। आपके घर परिवार में सब कुछ सबके साथ मधुर संबंध रहेंगे, इसीलिए इस महीने में आप घर परिवार में जैसा उम्मीद करेंगे उसके अनुसार आपको उनका सहयोग भी ज़रूर मिलेगा। घर परिवार का संतुलन बेहतर स्थिति में होने से आपको हर तरह के क्षेत्रों में विकास मिलेगा। माता पिता का सहयोग और माता पिता से संबंध के साथ साथ भाई बहन के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। कुछ नए कार्य करने का अवसर मिलेगा और कुछ शुभ मांगलिक कार्य इत्यादि इस माह में संभव है। संतान से संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। संतान की पढ़ाई लिखाई और संतान के क्रियाकलापों से मन प्रसन्नचित रहेगा। करियर इत्यादि के क्षेत्र में संतान की स्थिति बेहतर होने से घर परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं। यदि परिवार के सहयोग से कोई कार्य व्यवसाय करने का मन बना रहे हैं तो वह भी इस माह में सफल हो सकता है। थोड़ी बहुत परेशानियां, रुकावट जरूर उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन बाद की स्थितियां बेहतर होने की संभावना दिख रही है। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। इस माह में प्रेम संबंध को लेकर आप में उत्साह नजर आ सकता है। प्रेमी या प्रेमिका के साथ मधुर संबंध होने के साथ साथ कुछ नए संबंध भी स्थापित होंगे। मन प्रसन्नचित रहेगा जिसकी वजह से आप घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। प्रेम संबंध के मामलों में आपका जो आपसी सामंजस्य है वो बेहतर हो जाएगा। प्रेम संबंध के अलावा अपने कामकाज के क्षेत्रों में भी आपको एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। अपने काम पर भरोसा करते हुए अपने प्रेमी या प्रेमिका पर भी भरोसा करें। ऐसा करने से आपके संबंधों को बेहतर दिशा मिलेगी। यदि आप इस माह में किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यह कार्य इस माह के उत्तरार्ध में हो तो सबसे बेहतर है। इस माह में अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की तो वह अच्छा रहने की संभावना है। पति पत्नी के साथ मधुर संबंध स्थापित हो सकते हैं और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। बाहर की यात्रा इत्यादि में भी आपके पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा और कामकाज के क्षेत्रों में भी जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। यदि किसी तरह कोई मतभेद हो तो उसे दूर किया जा सकता है। समय के अनुसार ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलने की संभावना है। बात करें अगर आपके आर्थिक जीवन की तो आर्थिक स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। किसी तरह का धन के लेन देन में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए आर्थिक मामलों में सावधान रहना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी भी स्थिति में अनावश्यक लेन देन से बचने की कोशिश करें और किसी तरह का निवेश करने का विचार त्याग दें। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसायिक दृष्टि से आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। जिस व्यवसाय में हैं उसी व्यवसाय को बेहतर दिशा देने की कोशिश करें। नई नई जगहों पर हाथ ना आजमाएं, जिससे आपकी स्थिति जो है वो अच्छी बनी रहे और आप किसी भी कार्य को सुचारू ढंग से कर सकें। यदि आप नौकरी करते हैं और किसी तरह का निवेश करने का मन बना रहे हैं तो इस माह में निवेश करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। इसके लिए आपको अभी इंतज़ार करना होगा, नहीं तो आर्थिक तनाव के कारण आप मानसिक परेशानियां जो है आपकी बढ़ सकती हैं। मानसिक अशांति और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने से स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचेगा। जोश में होश खोना आपका नुकसानदायक रहेगा आपके लिए, इसीलिए इसका ख्याल अवश्य रखें। आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर जरूर प्राप्त होंगे, लेकिन कभी कभी व्यवधान उत्पन्न होने की भी संभावना दिख रही है। इसीलिए किसी भी नए कार्य को करने के लिए इंतज़ार ज़रूर करें और आर्थिक मामलों में सावधान रहना ही आपके लिए बेहतर होगा।
बात करें आपके स्वास्थ्य की, ये कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, तो दोस्तों अनावश्यक चोट चपेट इत्यादि के शिकार हो सकते हैं आप इस माह में। रक्त से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकता है। यदि पहले से किसी तरह की कोई बीमारी हो तो उसके लिए भी सावधान रहना और उसका समय पर इलाज कराना आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति इस माह में ज़रूर सचेत रहें। बात करें कि इस माह में कौन कौन सी तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, तो 5, 6, 14, 15, 23 और 24 तारीख आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो कर सकती है। इसीलिए समय का ख्याल जरूर रखें। इस समय में किसी भी कार्य को ज़्यादा महत्व देना उचित नहीं रहेगा और किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित रहेगा। बात करें कि इन तमाम जो आपको परेशानियां होने वाली हैं जुलाई के महीने में, इससे आप निजात कैसे पाएं, तो दोस्तों मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने के लिए यह उपाय है, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन सिंदूर और चमेली के तेल का हनुमान जी को लेपन करें, व्रत इत्यादि करें और लाल वस्तुओं का दान करें। यह सारी चीज़ें करना आपके लिए सही फलदायी रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि जुलाई का महीना जो है मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। आशा करते हैं हमने जो यह जानकारी आपको मासिक राशिफल की दी है यह आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आपको कोई सुझाव है या फिर ज्योतिष से जुड़े आप किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम जल्द से जल्द आप तक उन विषयों पर वीडियोस के द्वारा जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आने वाले हैं साल 2020 का राशिफल, जिसमें हम आपको वैदिक ज्योतिष के आधार पर बताएंगे कि आपका साल 2020 कैसा रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे तुरंत लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम बहुत ही जल्द बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, ज्योतिष रिलेटेड सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस लेकर आने वाले हैं, तो इसे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। एस्ट्रो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।